हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज संडे है और आज हम छोले भटूरे की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। ये छोले हम एक ही प्रेशर कुकर में बना के दिखाएंगे और भटूरे भी बहुत ही आसानी तरीके से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में फूला फूला बना के तैयार करेंगे। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी। इसे कभी भी गेस्ट आए तो बना सकते हैं, या अपने बच्चों की छोटी मोटी पार्टी कर रही हो उसमें भी बना के खिलाइए, सभी सराहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये काबली चने को 12 घंटा पहले भिगो दिया है, यानी कि ओवरनाइट हमने इसे पानी में भिगो के रखा है। तो चलिए हम छोला बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने प्रेशर कुकर रख लिया है, प्रेशर कुकर को हम गरम कर लिए हैं। अब हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। देख सकते हैं तेल की मात्रा हमने ज्यादा लिया है। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल में हम डालेंगे 1 बड़ा दालचीनी स्टिक, 2 बड़ी वाली इलायची, 5-6 लौंग और 1 चम्मच जीरा। इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तड़कने देंगे। आप देख सकते हैं अपनी मसाले जो है चटकने लगी है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 बड़ा प्याज जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर हमें बारीक कटा हुआ प्याज तेल में भूनने में अच्छा लगता है और स्वाद भी बढ़िया आता है। तो हम तेल में डाल के इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि सॉफ्ट होने तक हम इसे भूनेंगे। हमने चलाते हुए प्याज को 3 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं अपना प्याज जो है सॉफ्ट होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे अदरक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए लहसुन से, तभी छोला अपना टेस्टी लगता है। प्याज के साथ हम इसे भी 2 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि बिल्कुल लहसुन की कच्चापन चली जानी चाहिए। ध्यान रहे अब हम फ्लेम मीडियम करके ही ये सारी प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी प्याज एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि अच्छे से भून चुकी है। हमें ऐसे गला हुआ प्याज चाहिए छोले के लिए। अब हम इस स्टेज पे मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। ध्यान रहे अब हम फ्लेम एकदम स्लो कर लिए हैं। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हम 3 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे कलर भी बढ़िया आता है और छोला अपनी चटपटी भी होती है। तो हमने यहाँ पे मिर्च की मात्रा 3 किया, धनिया का 2 और हल्दी का 1 किया। इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने मसाला को 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 कटोरी टमाटर प्यूरी, यानी कि ये 3 बड़े टमाटर को हमने प्यूरी बना रखा है। इसे भी हम डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर ग्रेट किया हुआ या पीसा हुआ टमाटर का ग्रेवी बहुत बढ़िया होता है। तो इसे हम अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे। ध्यान रहे टमाटर भूनने में हमें 3 से 4 मिनट तक लग सकता है, इसमें जल्दी नहीं करना है। तो हमने टमाटर डाला तो साथ में ही नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक डालने से टमाटर गलता है और अच्छे से भून भी जाता है। तो हमें चलाते हुए इसे भूनना है। आप देख सकते हैं अभी भी अपनी ग्रेवी की कलर कितनी मस्त दिख रही है। टमाटर के साथ मसाले को 9 से 10 मिनट तक भूनना है। आप देख सकते हैं अपनी कुकर में तेल छोड़ने लगी है। तो यही सही तरीका है अपना
टमाटर प्याज मसाला भूनने का कलर भी देखिए कितनी सुंदर आया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 2 चम्मच छोले मसाला, ये मार्केट में इजली मिल जाता है। यहाँ पे हम एवरेस्ट का छोले मसाला डाल रहे हैं। मसाला को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम तुरंत डालेंगे ये अपना छोला जिसे हमने दिखाया था, ओवरनाइट सोक करके रखा, 2 पानी से वॉश करके हमने छान लिया है, इसे हम डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे तो हमें छोला को अच्छे से भूनने लायक पानी डालना है, क्योंकि इसे हमें 7 से 8 सीटी तक पकानी है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 ग्लास पानी यूज किया है। ये सारे क्वांटिटी हम 1 पाउच छोले के लिए बता रहे हैं। हाँ, ग्रेवी अपने पसंद के अनुसार थोड़ा गाढ़ी या पतली कर सकते हैं, पर इतना प्याज टमाटर मसाला हमको 1 पाउच छोले के लिए चाहिए होता है। हमने पानी डाल के छोले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में पानी डालना है यहाँ पे हमें। सबसे फाइनल हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इससे क्या होता है, अपनी छोला जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का डाले हैं। आप देख सकते हैं सोडा डालने के बाद झाग बनने लगा है, यही पकाएगा अपने छोले को, सॉफ्ट होने में मदद करेगा। अब हम कवर लगा के इसे और मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी पकने के बाद चेक करेंगे। हाँ, आपकी छोला अगर नहीं पकी हो तो 1 से 2 सीटी और पका सकते हैं, क्योंकि छोले पे डिपेंड करता है। कोई कोई छोला जल्दी पक जाता है और किसी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये बात थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हमने छोले में 7 सीटी मरवा लिया है। गैस को हम बंद कर लेंगे और गैस को रिड्यूस होने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छोला कैसे गला है। प्रेशर कुकर से अपना गैस निकल चुका है। अब हम ढक्कन को खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना छोले का कलर आया है। तो अब हम चम्मच से पहले इसे चलाएंगे। वाह, क्या सुंदर छोला बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप कलर देखिए। अब हम एक चना आपको मैच के दिखाएंगे कि अपनी छोला गली है कि नहीं। तो हम एक दूसरा स्पून की मदद से इसे प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है अपनी छोले। ऐसे ही छोले होने चाहिए भटूरे के साथ खाने के लिए। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी जिसे हमने तवा पे सेक के क्रश कर लिया है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है, और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो आपने देख लिया हमने एक ही बार में प्रेशर कुकर में कितनी आसानी से कितनी सुंदर कलर और टेस्ट में छोले बना के तैयार किए हैं। चलिए हम भटूरा के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हम एक बड़ा सा बोल में लेंगे यहाँ पे 300 ग्राम मैदा। मैदा को हमने छान लिया है और इसपे हम 2 बड़ा चम्मच सूजी लेंगे। ये बारीक वाली सूजी है, इसे भी डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। साथ में डालेंगे हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसे भी मिक्स कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे 1/4 कटोरी दही। दही ताजी होनी चाहिए, ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसे भी हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें भटूरे के लिए एकदम सॉफ्ट डो लगाना होता है। सबसे पहले हम दही के साथ मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा को गूंदेंगे। तो चलिए अब हम हाथ से गूंद लेते हैं। चम्मच को हम साफ करके हटा देंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदे को अच्छे से गूंदेंगे।
अब हम क्या करेंगे, ऐसे मुट्ठी को बांधेंगे और इसकी मदद से 2 से 3 मिनट तक मैदे को ऐसे मसलेंगे, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें, यानी कि पूरी पराठे से सॉफ्ट होना चाहिए। हमने मैदे को अच्छे से गूंद लिया है, अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको एक बार और गूंद लेंगे। इससे क्या होगा, ये चिकना हो जाएगा। मैं थोड़ा सा तेल डाला है, ज्यादा तेल नहीं डालना है। अब हम मैदे को फर्मेंट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो आधा घंटा में भी बना सकते हैं, पर ज्यादा छोड़ेंगे तो बहुत बढ़िया भटूरा तैयार होगा। 1 घंटा हो चुका है, चलिए अपनी भटूरे की डो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी भटूरा जो है डो फूल चुकी है, यानी कि पहले से सॉफ्ट हो चुकी है। हमें ऐसे ही डो चाहिए भटूरे के लिए। तो चलिए हम डो की लोई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिर एक बार डो को ऐसे हाथ से मसल लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम हाथ में ऐसे तेल लेंगे और डो को अच्छे से मसलेंगे। डो को हमने मसल लिया, अब फिर से हम हाथ को ऐसे तेल से ग्रीस करेंगे और इसकी लोई काटेंगे। लोई काटने का एक तरीका मैं आपको आसानी से बता देती हूँ। ऐसे हम अंगुली और अंगूठी के बीच से ऐसे एक एक बॉल्स निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना चिकना अपना बॉल्स निकल चुका है। फिर हम थोड़ा सा डो लेंगे और अंगुली और अंगूठी के बीच से ऐसे प्रेस करके लोई काट लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, पर आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे निकालिए। तो ऐसे हम एक साइज की लोई बना लेंगे। ये लास्ट में जो बची है उसे हम ऐसे मसलते हुए गोल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इतने डो में हमने 9 लोइयां तैयार की है। अब चलिए हम इसे बेलना शुरू करते हैं। हमने एक रोटी बनाने वाला चकला ले लिया है, इसको हम तेल से अच्छे से चिकना कर लेंगे, क्योंकि मैदा जब हम बेलें तो चिपकना नहीं चाहिए। और ये बेलन को भी हम अच्छे से तेल से ऐसे चिकना कर लेंगे। अब हम एक लोई को अंगुलियों से ऐसे प्रेस करके फैला लेंगे, थोड़ा हाथ से फैल जाना चाहिए। फिर हम बेलन की मदद से इसे ऐसे बेलेंगे। तो 1 से 2 बार हम भटूरे को उठा के ऐसे बेलेंगे, बाद में हम चकला को फैलाते हुए बेलेंगे। तो हमने ऐसे बेला, चकला को फैलाया, बेला, चकला को घुमाया। आपको बड़ी या छोटी साइज जैसी भटूरे पसंद है वैसा बनाइए, क्योंकि हम तो घर के लिए बनाते हैं, कोई मार्केट में हमें बेचना नहीं है। तो हमने ये लंबे साइज वाला भटूरा बनाया है। आपसे नहीं बनता है तो गोल वाला भी बनाइए, पर यही शेप सही होता है भटूरे का। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भटूरा तैयार हुआ है, न ज्यादा मोटा है न ज्यादा पतला है। अब चलिए हम गैस की तरफ तेल गर्म किए हैं, वहां ले चलते हैं। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। तेल गर्म हो चुका है, तेल को हमें हाई हीट करना है, तभी भटूरा अपना फुला फुला तैयार होगा। ये बात का आप ध्यान रखें। अब हम भटूरे को हम धीरे से भटूरा को तेल में छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं तेल में पड़ते ही भटूरा अपना तैरने लगा है, यानी कि तेल हमारा अच्छा खासा गर्म है। हमने चम्मच से प्रेस किया तो ये फूल ही गया है। अब हम इसे एक बार फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ही अच्छी भटूरा की पहचान होती है। तेल में डालते तेल पे तैर जाना चाहिए, दोनों साइड से एकदम फुली फुली सिक जाना चाहिए। तो ये रही ना अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल भटूरा। दोनों साइड से भटूरे को सेक लिया। अब हम चम्मच से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही अपनी भटूरा।
तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमने कितनी आसानी तरीके से फटाफट छोले भटूरे बना के तैयार कर लिए। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।